हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एस के सर। स्टूडेंट्स, आज हम जो हैं प्रेपोजिशन के सुपर 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रेपोजिशन। स्टार्ट करते हैं, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशंस। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, शी हैज बीन वेटिंग डैश द बस स्टॉप फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रही है। ऑप्शंस देख लेते हैं, फर्स्ट में एट, सेकंड में फॉर, थर्ड में इन, फोर्थ में ऑन। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वह 2 घंटे से बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंतज़ार करने के लिए वेटिंग एट। हमारा फर्स्ट ऑप्शन एट जो है वो करेक्ट है। आइए चलते हैं सेकंड सेंटेंस पर, देर वाज ए फ्लाई डैश द मिल्क। दूध में मक्खी थी, बात आ रही है मे की। तो फर्स्ट ऑप्शन है ओवर, सेकंड इन, थर्ड इनटू, फोर्थ ऑन। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है इन, वो करेक्ट है कि देर वाज ए फ्लाई इन द मिल्क, दूध में एक मक्खी थी। तो सेकंड ऑप्शन इन इज राइट। नाउ वी कम टू द थर्ड सेंटेंस, माय फ्रेंड ऑलवेज गोज होम डैश फुट। मेरा मित्र हमेशा पैदल घर जाता है। तो पैदल घर जाने के लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा, उससे पहले देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस को। फर्स्ट है विद, सेकंड बाय, थर्ड अपॉन, फोर्थ ऑन। तो स्टूडेंट्स, पैदल जाने के लिए जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो होता है ऑन, ऑन फुट। जैसे हम कह देते हैं बाई बस, बाई ट्रेन, तो पैदल जाने के लिए बाई फुट नहीं होता, ऑन फुट होता है। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं ऐसे सेंटेंस में कि वो बाई फुट लिख देते हैं, जबकि बाई रॉन्ग है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, ऑन। स्टूडेंट्स देख लेते हैं फोर्थ सेंटेंस, राम बॉट क्लोथ्स डैश संडे। राम ने संडे को कपड़े खरीदे। कब खरीदे? संडे को। तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, उससे पहले देख लेते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट में ऑन, सेकंड में फॉर, थर्ड में एट और फोर्थ में आफ्टर। ये थे हमारे 4 ऑप्शंस। तो स्टूडेंट्स, जब भी कहीं किसी दिन की बात की जा रही हो, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो, कोई काम जिस दिन किया गया हो, तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट ऑन, राम बॉट क्लोथ्स ऑन संडे। नाउ फिफ्थ सेंटेंस, दिस इज द नाइफ डैश विच द मर्डर वॉज कमिटेड। यह वो चाकू है जिसके साथ खून किया गया था। तो यहाँ पर जिसके साथ की बात की जा रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन ऑन, सेकंड बाय, थर्ड फ्रॉम, फोर्थ विद। तो यहाँ पर जो जिसके साथ मर्डर किया गया था, उस चाकू की बात की जा रही है। तो ऑप्शन विद यहाँ पर जो है करेक्ट है। तो दिस इज़ द नाइफ विद विच द मर्डर वॉज कमिटेड। नाउ सिक्स्थ सेंटेंस, आई एक्सपेक्ट हिम टू कॉल डैश मी टुडे। मुझे उम्मीद है कि वो आज मुझे कॉल करेगा, यानी मैं आशा करता हूँ कि वह मुझे कॉल करेगा आज। ऑप्शन फर्स्ट ऑफ, सेकंड विद, थर्ड ऑन, फोर्थ एट। तो कॉल करने के लिए होता है कॉल ऑन, फ़ोन करने के लिए यहाँ पर हो जाएगा कॉल ऑन। आई एक्सपेक्ट हिम टू कॉल ऑन मी टुडे। थर्ड ऑप्शन ऑन इज करेक्ट। नेक्स्ट सेवेंथ सेंटेंस, मैन इज एंटायरली डिफरेंट डैश अदर एनिमल्स। मनुष्य जो है दूसरे जानवरों से या दूसरे पशुओं से पूरी तरह से अलग है। ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट में फ्रॉम, सेकंड में ऑन, थर्ड में फॉर, फोर्थ में विद। तो दूसरे जानवरों से जो है मनुष्य पूरी तरह अलग है। जब इस तरह की बात आती है तो डिफरेंट के बाद हमेशा प्रेपोजिशन फ्रॉम लगता है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट फ्रॉम करेक्ट है, मैन इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। एट्थ सेंटेंस, द बोट्स आर डैश द ब्रिज। जो बोट्स हैं
जो नाव हैं वो पुल के क्या हैं? ऑप्शन फर्स्ट ओवर, सेकंड अंडर, थर्ड ऑन, फोर्थ इन। तो स्टूडेंट्स जो बोट्स हैं वो ब्रिज के नीचे हैं, के नीचे के लिए प्रेपोजिशन यूज होता है अंडर। तो सेकंड ऑप्शन अंडर हमारा करेक्ट है, द बोट्स आर अंडर द ब्रिज। नाउ नाइन्थ सेंटेंस, आई हैव नॉट सीन हिम डैश संडे। मैं उससे संडे से नहीं मिला हूँ। तो यहाँ पर जब पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज होता है वो देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट में फ्रॉम, सेकंड में फॉर, थर्ड में सिंस और फोर्थ में ऑन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन जो आएगा वो ऑप्शन थ्री सिंस आएगा। तो सिंस यहाँ पर हमारा करेक्ट है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस संडे। तो जब भी संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, कोई भी डे हो, जैसे मंथ हो, तो उसके लिए पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है वो, तो उसके लिए यूज होता है प्रेपोजिशन सिंस। नाउ टेंथ सेंटेंस, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप डैश 4 o'clock। यहाँ भी जो है आपको एक डेफिनेट टाइम दिया हुआ है। तो जैसे हमने पिछले सेंटेंस में सिंस यूज किया था, यहाँ भी जो है हम सिंस का प्रयोग करेंगे। बाकी जो अदर ऑप्शंस हैं एट, फ्रॉम, अबाउट, वो यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप सिंस 4 o'clock। मैं तुम्हारा बस स्टॉप पर 4 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस ऑब्लिक फॉर दोनों का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन फोर सिंस करेक्ट है। चलते हैं स्टूडेंट्स 11th सेंटेंस की तरफ। द टेबल इज मेड डैश वुड। ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट में ऑफ, सेकंड में बाय, थर्ड में फ्रॉम, फोर्थ में विद। तो टेबल जो है वो किस चीज़ की बनी हुई है ये पूछा गया है हमारे से। तो टेबल जो बनी हुई है वुड की। तो की के लिए यहाँ पर जो है, यानी जो मेज है वो लकड़ी से बनी हुई है। तो मेज किस चीज़ की बनी हुई है? लकड़ी की। तो यहाँ पर जब इस तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं तो मेड के बाद प्रेपोजिशन ऑफ यूज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ऑफ हमारा करेक्ट है। बाकी जो ऑप्शन है सेकंड बाय, थर्ड फ्रॉम, फोर्थ विद, ये हमारे इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन ऑफ, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। 12th सेंटेंस की तरफ चलते हैं, द बॉय इज डैश द डोर। ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट में बाय, सेकंड में ऑन, थर्ड में इन, फोर्थ में एट। तो जो 12th सेंटेंस है, द बॉय इज डैश एट द डोर, लड़का जो है वो दरवाजे पर है, लड़का जो है वो दरवाजे पर है। तो फर्स्ट में जो प्रेपोजिशन बाय था वो इनकरेक्ट है, सेकंड में ऑन इनकरेक्ट, थर्ड में इन जो है वो भी इनकरेक्ट। दरवाजे पर होने के लिए प्रेपोजिशन एट का यूज होता है। तो हमारा ऑप्शन फोर एट करेक्ट है, द बॉय इज एट द डोर। 13th सेंटेंस, सुरेश टुक नो टाइम डैश क्लाइंबिंग द ट्री। सुरेश ने पेड़ पर चढ़ने में कोई समय नहीं लिया। ऑप्शन पहला है एट, दूसरा ऑन, तीसरा इन और चौथा अप। तो सुरेश टुक नो टाइम डैश क्लाइंबिंग द ट्री मीन्स पेड़ पर चढ़ने में। तो मे के लिए यहाँ पर प्रेपोजिशन इन का यूज होगा, क्लाइंबिंग से पहले यहाँ पर प्रेपोजिशन इन आएगा। हमारा ऑप्शन थ्री इनकरेक्ट है। तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा, सुरेश टुक नो टाइम इन क्लाइंबिंग द ट्री। 14th सेंटेंस, द फंक्शन बिगेन डैश द नेशनल एंथम। ऑप्शन फर्स्ट बाय, सेकंड बिफोर, थर्ड विद, फोर्थ फ्रॉम। फंक्शन जो है उसकी शुरुआत हुई नेशनल एंथम से। किसके साथ हुई? नेशनल एंथम के साथ। तो के साथ के लिए यहाँ पर प्रेपोजिशन विद लगेगा। ऑप्शन थ्री विद करेक्ट है। सेंटेंस हो जाएगा, द फंक्शन बिगेन विद द नेशनल एंथम। 15th सेंटेंस, द पुलिस कुड नॉट फाइंड एनी क्ल्यू डैश द क्राइम। ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट में फॉर, सेकंड में टुवर्ड्स, थर्ड में ऑफ, फोर्थ में टू। पुलिस
ने जो है इस अपराध के लिए कोई भी मतलब क्लू जो है उसको मिल नहीं सका पुलिस को. द पुलिस कुड नॉट फाइंड एनी क्लू टू द क्राइम. तो ऑप्शन जो टू है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है. तो यहाँ पर क्राइम के लिए क्ल्यू नहीं मिल सका तो क्ल्यू टू होता है यहाँ पर. द पुलिस कुड नॉट फाइंड एनी क्ल्यू टू द क्राइम. पुलिस को अपराध का कोई भी क्ल्यू नहीं मिल सका. ऑप्शन फोर टू करेक्ट है. 16th सेंटेंस, डोंट टेक पिटी डैश हिम. ऑप्शन फर्स्ट फ्रॉम, सेकंड विद, थर्ड ऑन, फोर्थ फॉर. डोंट टेक पिटी डैश हिम, उस पर कोई दया न करो. तो पिटी के बाद हमेशा यहाँ पर ऑन का यूज होता है. तो डोंट टेक पिटी ऑन हिम, उस पर दया मत करो. तो पर के लिए यहाँ पर ऑन का यूज है. और वैसे भी डोंट टेक पिटी ऑन हिम, पिटी मीन्स दया. तो पिटी के बाद जो है वो ऑन का यूज होगा. हमारा ऑप्शन नंबर थ्री ऑन करेक्ट है. 17th सेंटेंस, आई एम रियली सॉरी डैश योर लॉस. फर्स्ट ऑप्शन बाय, सेकंड एट, थर्ड ऑफ, फोर्थ फोर. अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है. पहले एक बार सेंटेंस की हिंदी कर लेते हैं. आई एम रियली सॉरी डैश योर लॉस. मुझे वास्तव में दुख है. किस चीज़ के लिए? आपको जो हानि हुई है वो हानि पैसे की भी हो सकती है, किसी की मृत्यु से भी हो सकती है, या और कोई भी हानि हो सकती है. तो जब हानि के लिए बात सॉरी की जाए तो सॉरी के बाद प्रेपोजिशन फॉर का यूज होता है. आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस, यानी जो तुम्हें हानि हुई है उसके लिए मुझे वास्तव में दुख है. तो हमारा ऑप्शन फोर फॉर करेक्ट है. नाउ 18th सेंटेंस, द प्रेजिडेंट एंटर्ड डैश द पार्लियामेंट हाउस एट 9. फर्स्ट ऑप्शन इन, सेकेंड इन टू, थर्ड एट, और फोर्थ में नो प्रीपोजिशन. तो सेंटेंस देख लेते हैं एक बार हम. द प्रेजिडेंट एंटर्ड डैश द पार्लियामेंट हाउस एट 9. राष्ट्रपति पार्लियामेंट हाउस में 9 बजे दाखिल हुए, यानी राष्ट्रपति ने पार्लियामेंट हाउस में 9 बजे प्रवेश किया. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एंटर्ड के बाद सीधा द पार्लियामेंट आएगा, कोई भी बीच में प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा. तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर फोर, नो प्रीपोजिशन. नाउ 19th सेंटेंस, ही इज गुड डैश इंग्लिश. वह इंग्लिश में अच्छा है. फर्स्ट ऑप्शन देखें एट, सेकंड में विद, थर्ड में फॉर, फोर्थ में इन. तो जब भी गुड आ जाए और आगे कोई सब्जेक्ट दे रखा हो तो आप समझ जाना कि प्रेपोजिशन एट लगेगा. हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो एट है वो करेक्ट है, और विद, फॉर और इन जो है वो हमारे रॉन्ग ऑप्शंस हैं. तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ही इज गुड एट इंग्लिश, वह इंग्लिश में अच्छा है. अगला 20th सेंटेंस, ही डाइड डैश कॉलेरा. उसकी मृत्यु कॉलेरा से हुई. फर्स्ट ऑप्शन विद, सेकंड बाय, थर्ड ऑफ, फोर्थ फ्रॉम. तो स्टूडेंट्स किसी भी बीमारी से जब मृत्यु होती है, यानी कोई किसी बीमारी से मरता है, तो ऐसी स्थिति में डाइड के बाद प्रेपोजिशन ऑफ लगता है. जैसे मान लो यहाँ पर कॉलेरा लिखा हुआ है और कोई भी डिजीज का नाम आता तब भी जो है डाइड के बाद प्रेपोजिशन ऑफ लगता. तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है ऑफ वो करेक्ट है, ही डाइड ऑफ कॉलेरा. 21st सेंटेंस, आर यू प्लीज्ड डैश योर न्यू कार. क्या आप अपनी न्यू कार से खुश हैं? फर्स्ट ऑप्शन बाय, सेकंड एट, थर्ड ऑफ, फोर्थ विद. तो जब स्टूडेंट्स बात आए प्रसन्नता की, और किसी चीज़ के साथ प्रसन्नता हो, जैसे यहाँ पर कार के साथ है, तो प्लीज्ड के बाद हमेशा प्रेपोजिशन विद लगता है. तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा, आर यू प्लीज्ड विद योर न्यू कार. हमारा ऑप्शन फोर विद करेक्ट है. 22nd सेंटेंस देख लिए, मैनी पीपल वर अपोज्ड डैश द आइडिया. ऑप्शंस हैं फर्स्ट टू, सेकंड ऑन, थर्ड बाय और फोर्थ विद. बहुत से लोग जो हैं उन्होंने इस विचार का विरोध किया, यानी बहुत से लोग इस विचार के विरोधी थे. तो जो विरोध करना होता है उसके लिए किस जो है अपोज्ड के बाद
प्रेपोजिशन टू लगता है, अपोज टू द आइडिया, आप ऐसे याद कर लेंगे, अपोज टू द आइडिया यानी विचार का विरोध करना। तो ऑप्शन वन टू जो है वो करेक्ट है। 23rd सेंटेंस, द आंसर्स आर टू बी रिटन डैश इंक, फर्स्ट में फ्रॉम, सेकंड में बाय, थर्ड में इन, फोर्थ में विद। जो उत्तर हैं उनको स्याही से लिखना था, तो स्याही से लिखना था फर्स्ट ऑप्शन फ्रॉम, सेकंड बाय, थर्ड इन और फोर्थ विद। तो इंक में लिखने के लिए रिटन के बाद प्रेपोजिशन इन लगता है। द आंसर्स आर टू बी रिटन इन इंक, ऑप्शन थ्री इन करेक्ट है। इन ऑप्शन जो है, इन है जो प्रेपोजिशन वो सही है हमारा। अगला फोर्थ, 24th सेंटेंस, आई एग्रीड डैश हिज प्रपोजल, आई एग्रीड टू डैश हिज प्रपोजल। ऑप्शन फर्स्ट में है एट, सेकंड में विद, थर्ड में फॉर और फोर्थ में टू। तो यहाँ पर स्टूडेंट बात की जा रही है प्रपोजल की, प्रस्ताव की, कि मैं तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत हूँ। अगर ये होता कि मैं तुम्हारे से सहमत हूँ तो एग्रीड के बाद लगता प्रपोजिशन विद, लेकिन प्रस्ताव से सहमत होने के लिए एग्रीड के बाद प्रपोजिशन लगेगा टू। यानी व्यक्ति से एग्री होने के लिए क्या लगता है प्रपोजिशन विद, और किसी चीज़ से एग्री होने के लिए क्या लगता है प्रपोजिशन टू। तो आई एग्रीड टू हिज प्रपोजल, ऑप्शन फोर टू करेक्ट है। 25th सेंटेंस, ही हैज़ गॉन डैश लॉन्ग लीव, ऑप्शन फर्स्ट एट, ऑप्शन टू फॉर, ऑप्शन थ्री ऑन, ऑप्शन फोर विद। वह लंबी छुट्टी पर चला गया है। तो लंबी छुट्टी पर जाने के लिए प्रेपोजिशन होता है ऑन लॉन्ग लीव। तो ऑप्शन थ्री जो ऑन है वो करेक्ट है। हमारा सेंटेंस हो जाएगा, ही हैज़ गॉन ऑन लॉन्ग लीव, वह लंबी छुट्टी पर चला गया है। तो ऑप्शन थ्री ऑन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज हमने ये प्रेपोजिशन के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सेंटेंसेस जो हैं अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू।